हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल शिक्षक भर्ती, इस वीडियो में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सैनिक स्कूल प्योरली रेसिडेंशियल स्कूल है और फ्री रेसिडेंस एंड फूड फैसिलिटी अवेलेबल रहती है टीचर्स के लिए। इस जगह पर जो वैकेंसी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, इसमें सैलरी कम है बट एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं देनी है, नो एप्लीकेशन फ़ी। तो आगे बढ़ते, कहाँ से ये है, कौन से लोकेशन से, अगर आपके एरिया में, लोकेलिटी में है या आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप डिटेल्स आगे चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर। एडवर्टीजमेंट है, 3 पेजेस की है। इसमें जो फर्स्ट पोस्ट है वो है TGT सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस के लिए बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस एट्सेट्रा। तो इसमें से क्या है आपके, क्या एजुकेशन है उसके हिसाब से आप चेक कर लें क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। 30,000 फिक्स सैलरी है और मंथली सैलरी है, फिक्स सैलरी है, वन पोस्ट है, परमानेंट नहीं है। फिक्स सैलरी मतलब परमानेंट नहीं है। TGT हिंदी कम संस्कृत है और कंप्यूटर टीचर है, 30,000 इनके लिए भी है। TGT हिंदी कम संस्कृत के लिए भी 30,000 वन पोस्ट है, परमानेंट नहीं है। कंप्यूटर टीचर 30,000। काउंसलर की वैकेंसी है 26,000 पर मंथ, वन वैकेंसी है। नर्स के लिए है 19,000 रुपीज़ पर मंथ है, वन वैकेंसी है। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग निगलोक से ये वैकेंसी रिलीज की गई है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग इन्वाइट्स द एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस। टेम्पररी बेसिस पर है। सबसे पहले समझते हैं ईस्ट सियांग कहाँ पर है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ईस्ट सियांग, ये सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ जब आप करते हैं तो यहीं पर सबसे ऊपर अनाउंसमेंट में एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेम्पररी स्टाफ है। इसमें कॉन्टैक्ट अस में आप जाके एग्जैक्ट देख सकते हैं। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश से ये वैकेंसी है। अब इसमें एप्लीकेशन नहीं डालनी है, वॉक इन इंटरव्यू है और वॉक इन इंटरव्यू आर स्केड्यूल ऑन 24 जून 2022 फॉर द एबव मेंशन पोस्ट प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस। द सैलरी विल बी पेड एज पर एक्सटेंट स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशंस और इंटरेस्टेड कैंडिडेट विद द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मे टेक पार्ट इन वॉक इन इंटरव्यू एज पर डेट एंड टाइम मेंशनड अबव। नो TA/DA विल बी एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग द सिलेक्शन। सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ रेसिडेंशियल स्कूल विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम डे बोर्डिंग स्कूल। तो रेसिडेंशियल स्कूल रहेगा तो वहाँ पर आपको रहना होगा वगैरह, तो वहाँ थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। क्या क्या कैरी करना है, डायरेक्ट वॉक इन है, मतलब एप्लीकेशन नहीं डालनी है और डायरेक्ट वॉक इन है। तो वॉक इन के लिए बाकी डिटेल्स आप यहां से चेक कर सकते हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट है इसमें बाकी की लोकेशन दिया हुआ है निगलोक, तो मीन्स सैनिक स्कूल आपको जाना है। जो एड्रेस है वो चेक कर लें आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, चाहे तो एक बार कॉल करके कन्फर्म करना चाहे तो कर सकते हैं। 15 जून को ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू, क्या क्या कैरी करना है, ये लास्ट पेज नंबर 3 पर मेंशन किया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप चाहते हैं लिंक, तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, इसमें आपको वेबसाइट की लिंक मिलेगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अनाउंसमेंट सेक्शन में फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ये आपको डाउनलोड कर लेना है।